बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू चिकन के कबाब। आलू चिकन के कबाब के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया, इसको मैंने थोड़ा सा नमक डाला और बॉईल करके इस तरह मैंने इसको जो है इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए या इसको जो है ना इसके रेशे कर लिए। एक के जी जो है वो मैंने लिया, आलू लिए हैं उनको मैंने बॉईल किया और उसको जो है वो मैंने मैश कर लिया। एक टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया, एक टीस्पून मैंने नमक लिया, एक टीस्पून मैंने ये रेड चिली ली, एक टीस्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर लिया, एक टीस्पून जो है वो मैंने काली मिर्च ली। यहाँ रेड चिली जो है वो मैंने दो तरह की इस्तेमाल कर रही हूँ, एक सिंपल जो रेड चिली का पाउडर है और एक रेड चिली जो इस तरह ये जो क्रश हो के आती है। अब इनको सब चीज़ों को हम एक बाउल में मिक्स डालेंगे और मिक्स करेंगे। मैं हाथ धो लूँ और साथ में जो है मैं रिंग्स जो है वो उतार लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब स्टार्ट करते हैं। एक बॉल में हम ये सारा जो है आलू इसमें पहले डालेंगे, चिकन डालेंगे, मसाले सारे ऐड करेंगे, ये बहुत मज़े के बनते हैं। आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल करें, खाएं और लंच में जो है वो बच्चों को दे सकते हैं और खाने में जो है वो हम इसको खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। लेकिन जब आपने लंच बॉक्स में देने हैं बच्चों के तो तब आपने इसमें मिर्च जो है उसकी मिकदार कम रखनी है। और ये झटपट से जो है अगर आपके पास चीज़ें पूरी हैं और इस तरह से आपने रेडी करके रखे हुए हैं, अचानक आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, निकाला और फौरन से जो है इसको इस तरह से जो है वो मिक्स किया और इनके आगे पेश कर दिया। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, उसमें तो आपको बिल्कुल भी जो है वो परेशानी नहीं होगी। किसी के आने पे या अपना आपका दिल करता है आप आराम से उसको निकालें और बिना किसी झंझट के इसको फ्राई करें और आराम से जो है इसको इंजॉय करें। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। इसका मैं नमक चख लूं क्योंकि मुझे लगा कि शायद नमक जो है वो थोड़ा कम ना हो। जी, इसमें सिर्फ नमक जो है वो थोड़ा सा कम है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। जी, नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया सारा, साथ में ये धनिया डाला। धनिया मैं उस वक्त आप लोगों को बताना भूल गई कि धनिया इसमें डालेंगे। इसको फिर से जो है वो अच्छी तरह से मिक्स किया। धनिए की इतनी अच्छी खुशबू जो है वो आ रही है। सॉरी साथ साथ जो है बॉल को घुमाएंगे और ये देखें हमारा जो है सारा मिक्सचर रेडी है। अब इसको जो है हम बस इसको ये फ्राई होने को तैयार हैं और हम इसको खाने को बेताब हैं। या अब इसको मैं हाथ एक दफ़ा फिर से वॉश करूँगी और फिर इसको मैं फ्राई करती हूँ। जी, एक पैन में मैंने जो है ये थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया क्योंकि इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। इसका चूल्हा मैंने जो है वो पहले से ऑन कर दिया था। अब इसको हम जो है वो लेते हैं। ये देखिए, मैं इधर जो है इसको कबाब बनाऊंगी। ये साइज़ आपने अपने हिसाब से करना है कि आप किस तरह से जो है छोटा रखना है, बड़ा रखना है। मैं दरमियाना सा साइज़ रखूँगी। इसको हमने इस तरह से किया, ये बन गया। फिर उसके बाद हमने इसको अंडे में जो है वो डिप किया, ब्रेड क्रम्ब लगाया, अच्छी तरह से इसको इसके अंदर जो है किनारों पे अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा देना। आज हम दो तरह के बनाएंगे, ब्रेड क्रम्ब के साथ और ब्रेड क्रम्ब के बगैर। ये देखिए, एक और बनाते हैं। ये मैं चूल्हा
तेज कर देती हूँ। बस झटपट से ये फ्राई हो जाएंगे। और इसको भी देखें, हमने उसी तरह से इसको किया, अंडे में डिप किया, जो जायद है वो निकाल दिया। अच्छी तरह हम इसको जो है, ये बेचारा तो टूट फूट का शिकार हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करना है तो ये दोबारा से जो है वो ठीक हो जाएगा। ये चलिए इसको भी हम इसके अंदर डालेंगे। इसी तरह हम अब बगैर क्रम्स के बनाएंगे। ये झटपट से जो है ये रेडी हो जाएंगे। बस हमने अब इसको पकाना नहीं, क्योंकि पके तो ये ऑलरेडी पहले से हैं। इसको सिर्फ हमने इसके ऊपर हल्का सा कलर लेके आना है, गोल्डन सा कलर, और उसके बाद इसको जो है हम डिश आउट करेंगे। जी ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये नीचे वाली साइड हमारी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो उस पर कलर आ गया, ब्राउन हो गई है। और ये कबाब जो हैं, इनको हमने जो है ब्रेड क्रम्ब नहीं लगाए थे, इसलिए इनका जो है थोड़ा सा अलग कलर आएगा, इनका थोड़ा अलग कलर आएगा। कुछ लोग जो है वो ब्रेड क्रम्स जो है वो खाना पसंद करते हैं, कुछ को नहीं पसंद, इसलिए मैंने दोनों तरह से जो है वो कर दिए हैं। और बस इसका, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इसको हमने पकाना नहीं, सिर्फ थोड़ा सा कलर लेके आना है, और उसके बाद जो है ये हमारे लिए तैयार है। क्या हो, हमें खाओ। आप इसको बनाइएगा। ये देखें, नीचे से जो है नीचे से भी कलर आ गया। इसको इस तरह से अब हम उतार लेंगे। बस ये देखें, इसका भी जो है कलर आ गया। इसको भी चेक करते हैं, बिल्कुल इसका भी कलर आ गया। इसी तरह से हम जो है वो एक और बैच बनाएंगे। ये भी उसी तरह से, बिस्मिल्लाह, अब मैं दूसरे को फिर से जो है इसी तरह हमने दूसरा बैच इसमें डाला और ये मैंने डाल दिए। अब ये इनको भी उसी तरह जो है वो कलर आएगा। इसमें ये देखें, झटपट जो है ये रेडी हो गए। बस अब दूसरी साइड पे भी हल्का सा कलर आएगा और हम इसको उतार लेंगे। ये भी मैंने जो है, ये दो जो है ये मैंने जो है वो ब्रेड क्रम्स के साथ बनाए हैं, और ये जो है ये मैंने ब्रेड क्रम्स के बगैर बनाए हैं। बस इसको ज़रा सा जो है इसको हम कलर आने देंगे, एक मिनट या डेढ़ मिनट के अंदर ये देखें कलर आ जाता है। और जो ही कलर आएगा हम इसको जो है वो उतार लेंगे। इसमें पे भी कलर आ गया। इस पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि भी कलर ज़रा सा जो है ना, एक तकरीबन 10 सेकंड जो है ना इसको मैं ऐसे रखूँगी, इस पे भी कलर आ जाएगा और इसको मैं उतार दूँगी। ये देखें, सिर्फ ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट जैसा मैं चाह रही थी वैसा आया। इसको रखा यहाँ पे, फ्लेम ऑफ किया। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जी मैंने डिश आउट कर दी है। अब मैं आपको जो है वो टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह से बने हैं। ये सबसे पहले मैं जो है ये आलू का कबाब जो है वो देखती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, ये एक एक चीज़, ये चिकन है, ये आलू जो है, ये धनिया जो है, ये
बिल्कुल एक एक चीज़ अलग अलग जो है ये हमारी है इसमें। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अलग अलग चीज़ों का फ्लेवर है और मुंह के अंदर जो है वो चिकन के जो है वो रेशे जो है वो आ रहे हैं और बिल्कुल पता नहीं चल रहा ये घर के कबाब हैं या ये बाज़ार के हैं। अब मैं आपको एक जो है ये ब्रेड क्रम्ब का जो है ये भी टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखो ये भी उसी तरह से जो है धनिया अलग से है और चिकन जो है ये देखें चिकन के जो है वो पीसेस कह ले रेशे कह ले ये सारा जो है वो अलग से है। और बिस्मिल्लाह इतना गरम गरम जो है टू गुड, बहुत मज़े के हैं, बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। आपने बस इसको चीज़ें जो हैं वो रेडी रखें, झटपट बनाएं, अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं, खुद करें। मैं अपने घर वालों के साथ एंजॉय करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा आपको हमारी रेसिपीज़ जो है वो कैसी लग रही हैं। और जो है बेल आइकन जो है उसको दबाइएगा ताकि हमारी जो है वो नई रेसिपी आने वाली जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआओं में अगेन फिर से याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।